ये भी बताऊंगा कि अंकल मैंने बोलना उनको कैसे शुरू किया। लायंस क्लब के मेंबर थे तो वो कहीं से ट्रैवल करके आ रहे थे, उस समय पर वो एक ही फ्लाइट चलती थी एयर इंडिया की, इंडियन लाइंस की। तो ही केम फ्रॉम दिल्ली और समवेयर आई डोंट नो, तो जीन्स टी शर्ट पहने हुए है, तो मेरे को तो पता ही नहीं, अभी एक 15 साल का बच्चे को क्या पता होगा कि कौन क्या है। तो उनके एक दोस्त थे नरेंद्र बिल्ला, बहुत बड़े बिल्डर हैं, वो बोले कि तुमको पता है तुमको कौन सुन रहा है? यानी मेरे को नहीं पता, जगजीत सिंह, अरे आइडिया नहीं कौन है। अच्छा अब क्या हो गया कि वो सिंगर का गला बैठा था, तो जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि कुछ आप बजाइए, तो उस समय मेरे को जो ठीक लगा मैंने बजा दिया। तो जगजीत अंकल वहां से मेरे को इशारा कर रहे हैं, तेरा हाथ बहुत अच्छा है। हाँ तो मैंने थैंक यू बोला, मैं ऐसे समझ आता जैसे कोई ऑडियंस में होते हैं जो तारीफ करते हैं वैसे, और ही वाज इन मूड कंप्लीट एकदम। हाँ तो खत्म हुआ प्रोग्राम, वो विजय मल्ला साहब भी गाए, उनके साथ भी बजाया मैंने। खत्म होने के बाद ही केम टू मी एंड ही सेड कि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है वायलिन का। अच्छा उनके साथ पहले वायलिन बजाते थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब उनके साथ वायलिन बजाते थे पंडित भंवरलाल जी। हाँ तो उनकी डेथ हो गई थी, तो वायलिन था नहीं उनको, और उनका वायलिन उनका प्रिय इंस्ट्रूमेंट भी है। तो मुझे वो जो उनके एक शोल्डर पे एक बैग लटका हुआ था, वो बैग में से जो केबिन बैगेज का जो टैग होता है ना, टैग वो फाड़ा उन्होंने, वो फाड़ के उस पर अपना नंबर लिखा 8228572, ये उनका लैंडलाइन नंबर था, मुझे अभी भी याद है देखिए। और नीचे नाम लिखा जगजीत सिंह, तो तेरा हाथ बहुत अच्छा है और बहुत मीठा बजाता है। तो मैंने थैंक यू सर, थैंक यू सर बोल रहा था अभी, और क्या बोलेंगे। तो बोला कल फोन करो मुझे, मैंने कल फोन करूंगा। अब मुझे नहीं पता कि किस लिए फोन करना है, ठीक है कि बाद में वो उस समय हाँ बोल दिया मैंने ठीक है, लेकिन अब किस लिए फोन करना है कल, वो मेरे को कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ। तो खैर घर आ गया मैं, खत्म हो गई रात, गई बात गई। तो 2 दिन बाद उनका फोन आया मेरे घर पे लैंडलाइन नंबर पे, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छे बहुत अच्छा गाते हैं तौसीफ अख्तर, उनके पिताजी से मेरा नंबर लिया उन्होंने और फोन किया और इंक्वायरी भी की मेरे बारे में। तो बोले हाँ वो शंकर शंभू जी में से, शंभू जी का लड़का है और अच्छा काम कर रहा है। बोले हाँ कल सुना मैंने परसों, तो पीछे तानपुरा चल रहा है और घंटी बजी और मैंने ही फोन उठाया। तो मैं हेलो, तो बहुत खरज अति खरज में आवाज़ आती है एक हेलो ऐसे करके, जो फोन के जो फोन का जो स्पीकर था वो झनझना गया था एकदम, और पीछे तानपुरा चल रहा है। तो कौन बोल रहा है? मैं दीपक बोल रहा हूँ, तुमने फोन नहीं किया मेरे को परसों। मैंने कौन बोल रहे? मैं जगजीत सिंह बोल रहा हूँ। मैं सॉरी सर, मैं मतलब याद था मुझे लेकिन किस लिए फोन करना था, तो किस लिए क्या फोन करना है? तुम आओ वायलिन लेके घर पे आओ आज। मैंने आज तो मेरा कुछ काम है तो कल आओ। बोले मैंने ठीक है मैं आता हूँ, एड्रेस लिखो। मैंने एड्रेस लिखा, पुष्पा मिलन बिल्डिंग फ्लैट नंबर 24 सफाया कॉलेज के बाजू में, कैंप्स कॉर्नर जो भी था, हाँ ऐसे कुछ था, वार्डन रोड सॉरी। तो मैं नेक्स्ट डे गया वायलिन लेके मेरा, अब वहाँ पे अपना रोनू मजुमदार जी, अरशद जी और हरीश वानकर जी जो ढोलक बजाते थे, नारायण जी और संजीव सेन जी जो तबला बजाते थे, और अरशद भाई गिटार बजाते थे, वो चित्रा जी, चित्रा आंटी, जगजीत अंकल सब मौजूद थे। तो मैं पहुंचा, थोड़ा घबराया हुआ भी था, ऐसा माहौल बना हुआ था वहाँ पर सब। तो बोला बैठो बैठो बैठो, तो बैठा मैं, तो बोले कि निकालो अपना वायलिन निकालो। तो ठीक है, अब चित्रा जी से भी मिलाया, आंटी से भी मिला, नमस्ते हाय नमस्ते उसे हुआ। अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या हो रहा है। बोले देखो कुछ गज़लें जो है हमारी उसमें फिक्स म्यूजिक होते हैं। मैंने जी,
और कुछ गजलें ऐसी होती है जो उस सुरों का, उस शब्दों का मजा लो और अपने हिसाब से बजाओ। अब कहाँ बजाना क्या कुछ पता नहीं, अभी पहली बार कोई आ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि क्या हो रहा है। तो मैं रोनू भाई को देख रहा हूँ, ये सब मेरे बहुत सीनियर, और अर्शद भाई को देख रहा हूँ, इन लोग को देख रहा हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी भी थे संतूर। तो जी, तो मैंने निकाला वायलिन, तो बोले कि अपना हम गजल का जो प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम शुरू होता है तो वो पहली गजल होती है चित्रा जी के साथ, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, दरना दरा 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 हमसे अजनबी, वही गजल थी। तो इसका सुर है सफेद तीन, ई ई में मैं जी 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 सर सर बोलता हूँ। तो बोले इसमें म्यूजिक फिक्स म्यूजिक है वो लिखो, लिखना आता है? मैंने हाँ नोटेशन आता है मेरे को, तो लिखो। तो मैं पेन और कागज़ लिया और मैं लिखने लगा। तो बोले मैं लिख के देता हूँ तुमको, कैसे लिखते मैं बताता हूँ। मैंने अच्छा ठीक है आप बताइए। तो उन्होंने लिखा दरारी रा 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 रा, ये म्यूजिक था फर्स्ट म्यूजिक, दरारी री 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 दरारी रा रा री रा 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 तरारा दरना दर, अंतरा शुरू होता था फिर ऐसे वो था। तो उन्होंने लिखा, नोट्स लिखे करेक्ट लिखे, सारे गा धा नी धा धा पा गा पा। तो मैंने बोला सर इसको बीट बार एंड बीट पे लिखिए ना। तो ऐसे देखने लगे मेरे को, तेरे को आता है? मैंने हाँ मेरे को आता है, तो तू लिख। मैंने ठीक है। तो मैं सारे गा धा गा ऑन द बीट, नी धा धा पा धा बीट पे, गा रे सा मा सा बी गा रे सा धा टू वन रे सा सा। तो चित्रा आंटी बोलती लड़का होशियार है। हाँ तो लिखा मैंने, फिर बोला हम कुछ कब, हमारे स्किल बहुत चेंज होते हैं, कभी हम ई से गाते हैं, कभी एफ से गाते हैं, कभी जी से गाते हैं, कभी डी से गाते हैं, कभी एफ शार्प से गाते हैं। तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं उनको मैंने कहा, बोला नहीं वो पंडित जी भवनलाल जी वो ट्यूनिंग चेंज करते थे ना, और दो आई थिंक दो वायलिन रखते थे शायद जहाँ तक मेरा आइडिया। मैंने बोला नहीं मैं हर स्केल से बजा लेता हूँ। हाँ और मैंने मतलब बड़ा नॉर्मली बोला, ऐसा नहीं कि अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए, वो नहीं। तो ही वॉज सो हैप्पी, बहुत खुश हुए। फिर अंदर गए, 10 मिनट की, 10 मिनट का सेटिंग हुआ होगा मुश्किल से, हाँ 10 मिनट का सेटिंग हुआ होगा। फिर अंदर गए, अंदर जाने के बाद उस समय वो इंडियन लाइंस का एक वो टिकट जो आती थी ना, बड़ी जैकेट्स होती थी रेड एंड व्हाइट कलर की, तो वो मेरे को उन्होंने पकड़ा दी, वो पकड़ा दी। बोले कल दिल्ली चलना है, वहाँ से परसों मेरठ, फिर वहाँ से अपना कलकत्ता, फिर उधर से चेन्नई, मद्रास था सॉरी मद्रास, फिर वहाँ से जयपुर, फिर ऐसे पूरा उन्होंने एक एक डेढ़ हफ्ते का प्रोग्राम मेरे को दे दिया। अरे मैंने बोला सर मैं तो, लेकिन कल मेरा रिकॉर्डिंग है कल से, आई यूज टू प्ले सॉन्ग वायलिन ऑल्सो, सोलो के लिए तो कोई बुलाता नहीं था मेरे को, तो सॉन्ग वायलिन के लिए बुलाते थे, बट वो ज़्यादा मुश्किल काम है, सॉन्ग गाना बजाना इट्स मोर डिफिकल्ट देन प्ले सोलो। तो लेकिन यहाँ पे मेरी जो रिकॉर्डिंग थी नेक्स्ट डे से, वो थी अपना आशित देसाई जी की, गुणी, बहुत ही गुणी कलाकार हैं आशित देसाई जी, और खुद बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, कंपोजर हैं, अरेंजर हैं। तो मैंने बोला मेरी आशित देसाई जी के साथ रिकॉर्डिंग है, जुहू पर स्टूडियो, गिनी स्टूडियो करके था, तो मैं तो वहाँ बिजी हूँ, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा आपके साथ ये दिल्ली कलकत्ता और ये चेन्नई वगैरह मद्रास वगैरह। तो कुछ बोले नहीं मुझे, उन्हें उन्होंने आशीष देसाई जी को फोन लगाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि ये हो क्या रहा है। आशीष देसाई जी को फोन लगाया उन्होंने, आई एम श्योर कि जब ये आशीष जी ये देखेंगे हमारा ये जो ये कन्वर्सेशन, तो उनको सब समय का पता याद आएगा। तो बोला हाँ, बोला जो भी बोलते थे आशित बोलते थे या आशित भाई बोलते थे पता नहीं, बोलो तुम्हारे कल जो रिकॉर्डिंग है उसमें वो दीपक वायलिन पे, बोला हाँ वो वायलिन तो बजा, तो उसका तुम एक डेढ़ हफ्ते बाद डब कर लो, ये कल मेरे साथ जाएगा, कल से बाहर है मेरे साथ। तो ही सेड ओके फाइन नो प्रॉब्लम। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आप बुला रहे हो और आपस में आप दोनों बात कर रहे हो, मुझे पूछ नहीं रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ तो खैर बाहर निकलने के बाद फिर मैंने पीसीओ से फ़ोन किया आशीष जी को, फिर बोले नहीं कोई नहीं। फिर मुझे पता चला कि इन लोग का रिश्ता ऐसा था,
फिर सर पहला प्रोग्राम दिल्ली, वही श्री फोर्ट, फेवरेट फेवरेट प्लेस सर हर म्यूजिशंस की। तो आज मुझे वो बातें सब समझ में आती है सर, उस समय बच्चा था तो नहीं समझ में आती थी, बट आज वो चीज़ें समझ में आती है। साउंड ऑन बैलेंस, सनी ठकराल साहब साउंड बैलेंस को कर रहे थे। तो होने के बाद जगजीत अंकल, अच्छा उससे पहले अरशद भाई यूज टू कॉल हिम जगजीत अंकल। तो मैंने बोला कि अब अरशद भाई तो मेरे से बहुत सीनियर है, तो मैंने बोला कि मैं भी आपको अंकल बोलूं, बोला हाँ बोलना क्या फर्क पड़ता है। तो तब से मैं जगजीत अंकल ही उनको बोलने लगा।